गोरखनाथ मंदिर में बुढ़वा मंगल पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में वर्षों से चली आ रही मकर संक्रांति के अवसर पर शिवअवतारी गुरु गोरखनाथ बाबा को लोग दूर दूर से खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। वहीं श्रद्धालु घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस दिन लोग गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठा होते हैं और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया था। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार तक पुलिस फोर्स की कड़ी सुरक्षा लगी हुई थी, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने बताया कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व था, जहां लोग शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं और यही प्रथा है कि मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है, जिससे ढेर सारे श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि हम कई वर्षों से मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूरी होती है। हम खिचड़ी के साथ चावल, हल्दी, पैसा, नमक चढ़ाते हैं। मऊ जिले से आए श्रद्धालु ने कहा कि यहाँ रह कर पढ़ाई करती हूँ, मेरा सौभाग्य है कि बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था काफी अच्छी और सुदृढ़ है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, आराम से लोग दर्शन कर ले रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिवेंद्र पांडे, मानवी पांडे, नेहा मौर्य और गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने कहा। नीरज आयुष की मम्मी नीरज गया पार पकड़ कर रखे हटा इन लोगों को बेला क्षेत्र में भेजे। वहीं पर जाकर विकास से मिले। ये कटहल के पास जो भी दर्शनार्थी इकट्ठा है बीच रोड में, रोड रास्ता छोड़ दें और दर्शन करना है तो कृपया लाइन लगाकर अंदर जाए, एक जगह इकट्ठा ना रहे। Thank you.
मेरा नाम शिवेंद्र पांडे है। और कितने वर्षों से आप यहाँ मंदिर आ रहे हैं? मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और यहाँ जो है बहुत जाना माना प्रसिद्ध जो है गोरखनाथ मंदिर है। योगी आदित्यनाथ जी का जो है स्थान है गोरखपुर। तो आज पहली बार आ रहे हैं तो मान्यता बहुत है कि गोरखनाथ जो है खिचड़ चाहा जाता है। तो हम लोग आज आए हैं और जो है बहुत भीड़ है यहाँ पे जो है। ये कैसा लगा माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था भी जो है बहुत अच्छा है और माहौल भी अच्छा है और दर्शन भी अच्छे से हो गया। मैं कुल्ही से हूँ, नेपाल बॉर्डर के पास कुल्ही। जी मेरा नाम मानवी पांडे है। कितने सालों से आप गोरखनाथ मंदिर आ रही हैं? हमारा दूसरा साल है, दूसरे साल से खिचड़ी पढ़ा है आपने? जी जी खिचड़ी में चावल था और मूंग दाल थी, उसमें जो मटेरियल होता है सब उन्हीं सब चढ़ाया और पूजा पाठ बड़े अच्छे से नारियल भी चढ़ाए मुझे। यहाँ की मान्यता है कि जो लोग अच्छे मतलब मन से अपना श्रद्धा जताते हैं वहाँ पे सब मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। सर मेरा नाम नेहा मौर्य है, मैं यूपी जिले अरे मऊ जिले से हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ गोरखनाथ मंदिर आ रहे हैं? सर मैं तो अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ के बारे में गोरखनाथ के बारे में बहुत सुना था और लोगों का इसके प्रति आस्था बहुत है कि गोरखनाथ का मंदिर है जो खिचड़ी से एक महीने तक लगा रहता है और बहुत काफ़ी प्रसिद्ध भी रहता है। और लोगों की ये आस्था है कि लोग आ रहे हैं और हमारी यूपी में इतनी बड़ी बात है कि गोरखनाथ मंदिर भी यहाँ पे गोरखनाथ लोग आ जा रहे हैं घूमने के लिए। इससे अच्छा कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत ही अच्छा है। खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ चढ़ाया। खिचड़ी में चावल है, दाल है, गुड़ है, दाना है जो हम लोग हिंदी में बोला जाए लाई, वो चढ़ाया हमने और प्रसाद भी था। यहाँ का लड्डू बहुत फेमस है। उसी क्रम में वर्षों से योगा का भी महत्व है। इस दिन भारी संख्या में महिला पुरुष बच्चे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर अगले वर्ष जाकर खिचड़ी चढ़ाएंगे, पुष्प चलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। ये क्रम अनेक वर्षों से चला आ रहा है। आज विवाह मंगल है, इसी नाते भारी संख्या में आप देख रहे हैं दर्शनार्थी आ रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी को प्रसाद खिचड़ी ये सब चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं।